ओके सो सबसे पहला हमारे पास जो डाउट है वो ये है, sec थीटा इक्वल टू एक्स प्लस फोर एक्स है, तो प्रूफ करना है sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू इतना आएगा. ओके तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू लैम्डा ये यहाँ से स्टार्ट ही करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, और कोई चॉइस आपके पास नहीं है. तो sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू लैम्डा, और हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है फंडामेंटल, दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होती है ना. तो sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन को यदि हम इसको ओपन करें तो क्या लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस टेन थीटा sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन, ए प्लस बी ए माइनस बी. sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमको पता है कितनी है, लैम्डा. कितनी वैल्यू है, तो लैम्डा पुट कर दिया तो ये क्या बन गया, लैम्डा टाइम्स ऑफ sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन. तो ये इसके मल्टीप्लाई में है ना, ये यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में. ओके तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, एक नंबर वन ये वाला पहला वाला sec थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरा sec थीटा माइनस टेन थीटा. ओके अगर इन दोनों को आप जोड़ दोगे ऐड कर दोगे तो देखो टेन थीटा से माइनस टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो टू sec थीटा इक्वल टू कितना बचेगा, लैम्डा प्लस वन अपॉन लैम्डा. ओके तो टू sec थीटा इक्वल टू लैम्डा प्लस वन अपॉन लैम्डा, दिस इम्प्लाइज दैट अब sec थीटा की वैल्यू कितनी थी, x प्लस वन अपॉन फोर एक्स. ओके तो टू टाइम्स ऑफ x प्लस वन अपॉन फोर एक्स इक्वल टू लैम्डा प्लस वन अपॉन लैम्डा. ओके टू एक्स इक्वल टू लैम्डा प्लस वन अपॉन मल्टीप्लाई किया टू एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स इक्वल टू लैम्डा प्लस वन अपॉन लैम्डा. अगर आप यहाँ पर सीधा सीधा कंपेयर करो तो देखो लैम्डा की वैल्यू टू एक्स की इक्वल हो रही है, क्योंकि यहाँ लैम्डा ऊपर बैठा है तो टू एक्स की इक्वल आ रहा है, और यहाँ वन अपॉन लैम्डा तो किसके इक्वल, टू एक्स के इक्वल. तो लैम्डा इक्वल टू कितना, टू एक्स, और लैम्डा इक्वल टू टू एक्स होगा या वन अपॉन टू एक्स भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसको वन अपॉन टू एक्स ले लो तो वन अपॉन लैम्डा क्या बन जाएगा, टू एक्स बन जाएगा. अगर ये टू एक्स तो वन अपॉन लैम्डा वन बाई टू एक्स, और लैम्डा वन बाई टू एक्स तो वन अपॉन लैम्डा टू एक्स. तो दोनों हो सकते हैं, ये भी आंसर और ये भी आंसर. तो आंसर लैम्डा इक्वल टू टू एक्स और लैम्डा इक्वल टू वन बाई टू एक्स है ना. और हमसे इसी चीज़ की वैल्यू पूछी गई थी, sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या मानी थी लैम्डा. तो पॉसिबल कितने आंसर हुए, दो आंसर, एक टू एक्स और एक वन अपॉन टू एक्स. क्लियर हुआ. अब देखिए जो 26 नंबर क्वेश्चन है, वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा, तो आप वन और साइन स्क्वायर थीटा को साथ में ले लो तो ये क्या बन जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना. तो एक्चुअली इसको आपको कॉट की फॉर्म में लाना है, मतलब ऊपर चाहिए कॉस और नीचे चाहिए साइन. तो अपने पास कई तरीके हो सकते हैं, वैसे इन लोगों ने दूसरे तरीके से किया है, बट अपना तरीका देखो, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना. तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को डायरेक्टली आप लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या, कॉस थीटा, प्लस में कितना, कॉस थीटा, समझ में आ रहा है. और नीचे क्या बैठा है, साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा, ज्यों कहते हो एज इट इज़ वैसे का वैसे ही. अब देखो ऊपर से अगर आप कॉस थीटा कॉमन ले लोगे तो आपके पास, यदि आपने यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लिया, ये देखो ये ले लिया कॉस, अगर आपने कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ इससे क्या बचेगा, वन प्लस कॉस थीटा, उसी को कॉस थीटा प्लस वन लिख दिया, बात तो एक ही है, वन प्लस कॉस थीटा ऊपर वन प्लस कॉस थीटा नीचे, क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, साइन कॉस ऊपर बचा, साइन ऊपर बचा, नीचे बचा, आंसर कितना आ गया, कॉट. क्लियर हुआ, ठीक है ना. तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन. ओके ये जो क्वेश्चन नंबर टू है, आप देखिए कह रहा है कि अगर टेन ए की वैल्यू एन टेन बी है, टेन ए इक्वल्स टू एन टेन एन टाइम्स ऑफ टेन बी एंड साइन ए इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ साइन बी, देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू इतना. मतलब आपको फॉर्मूले का रिजल्ट कॉस में चाहिए. वैसे तो आप टाइम दे करके इसको बहुत सारी मेथड से कर सकते हो. अब आपको क्या चाहिए, आपको कॉस चाहिए इन द टर्म्स ऑफ एम एंड एन, ठीक है ना, एम और एन के टर्म्स में आपको कॉस चाहिए. मतलब एंगल बी की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, एंगल बी को, एंगल बी को गायब करना पड़ेगा है ना, एंगल बी को आपको कहीं ना कहीं गायब करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इस पूरे पिक्चर में कहीं भी एंगल बी नहीं आ रहा है, ये जो प्रूफ करना है इसमें कहीं भी एंगल बी नहीं आ रहा है. तो आपने पहला रिलेशन उठाया, पहला रिलेशन क्या है, टेन ए इक्वल टू एन टेन बी. ओके तो टेन बी इक्वल टू कितना होगा, वन अपॉन एन टेन ए, टेन बी इक्वल टू वन अपॉन एन टेन ए होगा ना, टेन बी की वैल्यू वन अपॉन एन यहाँ चला जाएगा, इसको पूरे को पलट दो तो क्या आ जाएगा, कॉट बी इक्वल टू ऊपर आ जाएगा एन और नीचे आ जाएगा टेन, तो कॉट बी इक्वल टू एन अपॉन टेन ए, समझ गए ना. इससे कॉट बी निकाल दिया, इससे क्या निकालो, कॉस एक बी, तो साइन ए इक्वल टू एम साइन बी, ठीक है ना. तो साइन बी इक्वल टू साइन ए अपॉन एम, यह आ जाएगा कितना, साइन ए अपॉन एम,
साइन बी इक्वल टू साइन ए अपॉन एम, तो वन अपॉन साइन बी मतलब कॉसेक बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम अपॉन साइन ए, उल्टा हो गया एम अपॉन साइन ए, ठीक ना। यदि इसको देखना चाहें हम तो देखिए ये आ गया साइन बी इक्वल टू कॉसेक बी इक्वल टू एम अपॉन साइन ए। अब एक अपने पास आइडेंटिटी हुआ करती है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये आइडेंटिटी थीटा एंगल के लिए होती है, फिलहाल अपन को बी एंगल के लिए लगाना है। तो कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी इक्वल टू वन, यहाँ कॉसेक की वैल्यू रख दो यहाँ कॉट की वैल्यू रख दो, तो अभी एम अपॉन साइन स्क्वायर ए एन अपॉन टेन स्क्वायर ए, इसको सॉल्व कर लीजिए सब कुछ, और सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन। समझ में आया, मतलब यहाँ तक आपको मेनली काम करना अच्छे से, ठीक ना। इसके बाद तो वैल्यू पुट करके इक्वल टू वन, ओके टेन को क्या लिख दिया साइन अपॉन कॉस, तो साइन स्क्वायर ए नीचे कॉस स्क्वायर ए ऊपर, साइन स्क्वायर ए कैल्शियम कितना साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू साइन स्क्वायर ए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। एम स्क्वायर माइनस वन को एक तरफ लाओ और कॉस स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन, एन स्क्वायर माइनस वन, तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा, किसमें अपॉन में, आंसर कॉस स्क्वायर ए, क्लियर है, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत। देखिए तो इस क्वेश्चन में इफ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एल सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एम, प्रूव करना आपको ये, ओके तो इसका एल का स्क्वायर रख दो मतलब इस चीज़ का स्क्वायर कर दिया, एम का स्क्वायर मतलब इस चीज़ का स्क्वायर कर दिया, ओके और ब्रैकेट में इसका स्क्वायर पहले वाले का एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है बेटा। अब क्या करो इसको साइन और कॉस में रिजॉल्व कर लो, साइन और कॉस में क्या कर लो रिजॉल्व, तो कॉसेक क्या होता है वन अपॉन साइन, वन अपॉन साइन माइनस साइन, वन अपॉन कॉस माइनस कॉस, वन अपॉन साइन माइनस साइन, वन अपॉन कॉस माइनस कॉस का होल स्क्वायर प्लस कितना थ्री। अब देखो ये साइन इधर जाएगा, क्या बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कितना थ्री, क्लियर हुआ प्लस थ्री यही वाला। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का होल, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ब्रैकेट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का फिर से होल स्क्वायर, और ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कितना थ्री, ठीक है बच्चों। टू पावर क्या हो जाएगी, ऊपर फोर पावर नीचे टू पावर, ऊपर फोर पावर नीचे टू पावर, समझ में आ रहा है। इसको ओपन कर दो तो पावर फोर पावर टू पावर फोर पावर टू पावर फोर पावर टू पावर फोर पावर टू प्लस कितना थ्री, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमको थोड़ा सा अपना स्किल यूज़ करना है, दिमाग थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। देखो क्या है, आप यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैसे बचा, देखो एक अपने पास दो कॉस हैं, ये चार कॉस हैं, तो चार कॉस से दो कॉस कैंसिल, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर चार साइन है नीचे दो साइन है, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। चलो अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा ना। अब ये इससे मल्टीप्लाई कॉस की पावर सिक्स थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई साइन की पावर सिक्स थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है, लिखा जा सकता है ना। हाँ अब देखो तो कॉस की पावर सिक्स थीटा प्लस साइन की पावर, ये देखो अब ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बचा कॉस की पावर सिक्स थीटा साइन की पावर सिक्स थीटा प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखो एक्चुअली क्या है, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, क्योंकि पावर कितनी हो जाएगी छः और तीनों तीन छः, तीन और दो छः पावर हो जाएगी, तो इसकी पावर सिक्स, इसकी पावर भी सिक्स प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन ने फार्मूला पढ़ा होगा बचपन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ये हुआ करता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको आपने कन्वर्ट कर दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, बी क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए बी ए प्लस बी। बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो गई वन, इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई वन, तो वन का होल क्यूब वन माइनस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये रखा इंटू इसकी वैल्यू भी वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर
थीटा, तो इससे अगेन ये और ये क्या हो गए कैंसिल, केवल क्या बचेगा वन। क्लियर हुआ, बन जाएगा ना। चलिए तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है ना।